हाई गर्स वेलकम टू माई चैनल इस टीना हेयर और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो वेलकम सो मच एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और अगर आप पहले से मेरे चैनल को देखता है तो वेलकम बैक एंड आई होप यू आर एंजॉइंग और आप बहुत अच्छे से दिवाली मना के आय होंगे सो so, आज की जो रीडिंग है वो इस बारे में होने वाली है जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है जो भी आपके पार्टनर है हो सकता है आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, हो सकता है आप नहीं हो, हो सकता है आप उनको जानते हो अभी हो सकता है नहीं जानते हो तो मैं आपके वो उनके बारे में काफी सारी डिटेल्स बताने वाली हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि वो इंसान अभी तक आपको मिल चुका है या वो आगे आपको मिलने वाले हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो या किसी भी तरह के कनेक्शन में हो क्या वही वो, वो इंसान है जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं या अभी भी आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए वेट करना चाहिए और वो किस तरह के इंसान होने वाले हैं कैसी अगर लाइफ उनके साथ बिताओगे तो वो कैसी रहने वाली है उन सब चीजों के बारे में आज डिटेल में हम बात करेंगे इस रीडिंग में तो यहाँ पर मेरे पास तीन पाइल्स हैं ये पाइल नंबर वन ये है पाइल नंबर टू और ये है पाइल नंबर थ्री और आज मैंने यहाँ पे क्रिस्टल यूज करे हैं सो so यहाँ पर है रेड क्रिस्टल और यहाँ पर पाइल नंबर टू के लिए है ग्रीन क्रिस्टल और ये पाइल नंबर थ्री के लिए है टाइगर आय सो so यहाँ पर तीन क्रिस्टल्स हैं और तीनों में से जो भी आपको क्रिस्टल अच्छा लग रहा हो या क्रिस्टल का कलर अच्छा लग रहा हो अगर आप इफ यू आर इनटू क्रिस्टल्स और आपको लगता है कि कोई स्पेशल क्रिस्टल इन तीनों में से आपको अपनी तरफ यू you नो know, ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसके बेसिस पे भी चूज कर सकते हैं अदरवाइज कार्ड के बेसिस पे चूज कर लीजिए प्लेसिंग के बेसिस पे तो टैरो रीडिंग में बेसिकली होता है, क्या है आपको आपका जो भी पाइल होती है ना वो अगर उसमें आपका आंसर छिपा है ना तो वो आपको खुद ही अपने तक अट्रैक्ट कर ही लेगी इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो दिस इज अ साइन कि यहाँ तक आपको आना था और देर इज अ मैसेज इन दिस वीडियो जो आप तक पहुंचना था और उसके बाद भी आप वही वाली पाइल चूज करेंगे जिसमें आपका आंसर होगा तो डोंट बी इम्पल्सिव और इम्पेश टली गोट फाइंड वट एवर आर यू लुकिंग फॉर ओके सो यहां पर तीन पाइल्स है और तीनों पाइल्स की मैं टाइम्स टाइम्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूंगी सो so, यहां पर पाइल नंबर वन टू और थ्री तीनों में से किसी को भी चूज कर लीजिए और हमेशा हम ना एफर्मेशन करते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन तो आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन मैं जो करने वाली हूं वो हम स्टार्ट करेंगे दैट आई एम वेरी लकी मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना जो हमें किस्मत का साथ चाहिए होता है कुछ कुछ चीजों में और कभी कभी हम सही में होता तो थोड़ा लेजी भी फील करते हैं और ऐसा लगता है यार किस्मत ज्यादा साथ दे तो कम मेहनत में भी काम बन जाए तो क्यों ना आज हम लक को अपने लिए अट्रैक्ट करें सो आंखें बंद करके आपको मेरे साथ क्या बोलना है आई एम लकी आई एम लकी आई एम लकी आई एम लकी आई एम सो लकी थैंक यू यूनिवर्स इस तरह से आपको पांच बार बोलना है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो क्लेम करने के लिए आई एम थैंक यू सो मच अभी हम स्टार्टिंग विद द विदल नंबर वन दिस रेड क्रिस्टल जिन्होंने भी चूज किया है और उसके बाद की पाइल्स आप टाइम स्टैम्प्स में जाके देख सकते हैं थैंक यू सो हेलो पाइल नंबर वन जिन्होंने भी रेड क्रिस्टल को चूज किया था सो so, यहां पर हम बात करते हैं कि आपके फ्यूचर पाउस हैं वो कैसे होने वाले हैं उनके लुक्स उनके करियर उनके कहाँ के वो हो सकते हैं किस तरह का उनका नेचर होने वाला है जो भी चीज जो भी डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिखाई देने वाली है मैं सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात करूंगी सो so, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें आपके पार्टनर के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन मतलब जो ये पायल देख रहे हैं ना मैं उनके बारे में बता रही हूँ कि आप उस तरह के पर्सन हो दैट यू रियली बिलीव इन यू नो मैरेजेस यू रियली बिलीव इन रिलेशनशिप्स और आपको प्यार में इक्वल केयर में म्यूचुअल रिस्पेक्ट ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक ऐसा पार्टनर बने मिले जिसके लिए मतलब वो आपका सोलमेट हो आप उसके सोलमेट हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही रोमांटिक और लविंग लाइफ जिए सो so, अगर यहां पर मैं बात करूं तो हो सकता है आप मैनिफेस्ट करते हो या फिर सोचते हो इस तरह की चीजों के बारे में तो ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस भी मुझे यहां पे दिखाई देते हैं कि देर इज अ पार्टनर आउट देआर वेटिंग फॉर यू जस्ट फॉर यू जो आपके साथ बहुत खुश भी रहेंगे और आप भी उनके साथ बहुत खुश रहेंगे लेकिन उस सबसे पहले आपको ना काफी सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करना पड़ेगा हो सकता है आपके लिए कि लेट मैरिज हो सकती है क्योंकि ऐसा पार्टनर जो भी आपका सोलमेट है ना वो हो सकता है आपको बहुत टाइम के बाद मिले यू you नो know, काफी वेट कराने के बाद मिले क्योंकि काफी सारे मुझे ऐसा लगता है लाइफ के लेसन है जो आपको सीखने को मिलेंगे हो सकता है पास्ट में आपका कोई ब्रेकअप भी हो चुका हो जहां पर एक जो भी आपके पार्टनर थे उन्होंने आपको चीट किया हो या धोखा दिया हो किसी भी तरीके का वो किसी थर्ड पर्सन के साथ भी हो सकता है और हो सकता है आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हो उस तरह का भी हो सकता है वो धोखा तो काफी सारे ट्रस्ट इश्यूज होने के बाद भी आपका दिल कही कहीं ना कहीं ये कहता है कि लाइफ में कोई ना कोई तो आपके लिए होगा जो आपका बहुत ख्याल रखेगा और आपका बहुत ध्यान रखेगा तो अगर आपका ऐसा बिलीफ है या वो बिलीफ अभी तक जिंदा है तो आप बिल्कुल सही सोचते हो बिकॉज आपकी लाइफ में वो वैसा इंसान जरूर आएगा आपके ना मन में ना एक छोटा सा बच्चा है बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे वाले मासूमियत होती है ना वो आपके अंदर है और आप ना काफी ज्यादा सच्चे दिल से किसी को चाहने की क्षमता रखते हो जो कि आजकल के लोगों में नहीं होती है आप किसी को भी चाहोगे ना तो बिना सोचे समझे बिना यू you नो know, नाप तोल के कई लोग होते हैं ना बहुत ही प्रोज एंड कौन देखते हैं पॉजिटिव और निगेटिव देखते हैं रिलेशनशिप के अपना फायदा नुकसान देखते हैं यू आर नॉट लाइक दैट अगर आपने किसी को दिल से चाह लिया या प्यार कर लिया ना तो आप उसके बाद फायदा नुकसान नहीं देखते आप बस उसके लिए वो करते हैं जिससे वो खुश फील करे और आप मतलब अपना सब कुछ देना चाहते होते हैं सामने वाले इंसान को तो आप उस तरीके की पर्सन है और मैं डेफिनेटली कहूंगी जो भी आपकी लाइफ में आएंगे बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं लेकिन आप उनके साथ कैसे रहने वाले हो तो मैं बता देती हूँ पहली बात मुझे इससे लगता है कि जो आपके पार्टनर है ना उनको सॉलिस ही ज्यादा पसंद होगी कि जैसे वो कम बात करते होंगे इंट्रोवर्ट हो सकते हैं बहुत जल्दी ना लोगों के साथ खुलते मिलते नहीं होंगे उनका एक छोटा सर्कल होगा लाइक क्लोज फ्रेंड्स या सिर्फ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ना ज्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व ना होना तो ही और शी कैन बी इंट्रोवर्ट ठीक है ना ज्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व ना होना सोलिसी में रहना अपने काम से मतलब रखना ये भी हो सकता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ना काम में बिजी रहते हो ये चीज की भी हाई पॉसिबिलिटी है कि वो ऑकोहोलिक भी हो सकते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा काम में बिजी रहते हो या पढ़ाई में बिजी रहते हो क्योंकि हो सकता है कि वो किसी चीज की तैयारी कर रहे हो या हो सकता है वो आपको और जब मिले हो जब पढ़ाई वढ़ाई में पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तो जो भी है वो उनको जो अपने काम है ना उनको लेकर वो बहुत ज्यादा ना ऑक्यूपाइड रहते हैं बहुत ज्यादा उसमें मेहनत करते रहते हैं तो इसलिए उनको सोलिस ही पसंद भी है और बहुत ही लिमिटेड लोग हैं उनके अराउंड जिनको ही वो अपनी मन की बातें शेयर करते हैं और जो उनकी कोर बातें होती होंगी ना वो तो वो किसी को भी शेयर नहीं करते होंगे वो शायद एज ए पार्टनर वो आपके साथ जरूर शेयर कर ले, लेकिन वो और किसी को नहीं बताते होंगे जो उनके डीप इन साइड मन में जो चलता रहता है ना वो किसी को नहीं बताते होंगे उनके मन में भी कहीं ना कहीं इनोसेंस है बच्चे वाली लेकिन वो बचपन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के सामने दिखा सकते हैं जो उनके बहुत ही ज्यादा क्लोज है ऐसा नहीं है कि हर एक के सामने बच्चा बन जाएंगे क्योंकि जो जिनमें बचपना होता है ना वो सबके सामने बचपना करते हैं लेकिन वो ऐसे नहीं है उनके जो मन का बच्चा है ना वो बहुत ही लिमिटेड बहुत ही रेयरली किसी ने देखा होगा या बहुत ही रेयरली लोगों के सामने आता होगा फैमिली से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे या अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं उनका साथ निभाने के लिए और बहुत ही ज्यादा लॉयल और ऑनेस्ट किस्म के इंसान है जिससे भी आपके मतलब जो भी आपके पर्सन होने वाले हैं काफी ज्यादा जेन्यन है सच बोलना उनको अच्छा लगता है बातें छुपाना उनको पसंद नहीं है झूठ वूट बोलना उनको पसंद नहीं है और कोई उनके साथ भी ऐसा करता है तो उनको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो उसको अपनी सर्कल से निकाल भी सकते हैं उनको बस ऐसे लोग चाहिए अपने अराउंड जो ऑनेस्ट हो और वो भी उनके साथ ऑनेस्ट ही रिलेशनशिप बना के रख सके ठीक है ऐसा डेस्टाइन लगता है कि ये पार्टनर आपको मिल जाएंगे वही ये आपको ना मेरे को लगता है कि अभी तक नहीं मिले ना तो आने वाले कुछ टाइम में आपको मिल जाएंगे लाइक एक दो साल मैक्स एंड ये आपकी लाइफ में होंगे हो सकता है अभी दूर दूर से आपके साथ हो मतलब आपके आजू बाजू तो हो लेकिन आपको पता ना हो कि ये पर्सन है जो आपके सोलमेट हो सकते हैं लेकिन ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आसपास हैं और आपके लिए डेस्टाइंड है ये पार्टनर और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर ये आपके आसपास है ना तो इन्होंने आपको जरूर नोटिस किया होगा अगर आपने इनको करा होगा या नहीं होगा क्योंकि यहां पर ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर है वो आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होने वाले हैं जब भी वो आपको पहली बार देखेंगे या मिलेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड महसूस करेंगे आपके लिए आप उनको बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी या बहुत अच्छे लगने वाले हो क्योंकि ये रीडिंग दोनों के लिए ही है मेल या फीमेल के लिए तो इसलिए अगर आप वो आप लड़के भी हो और आपके पार्टनर आपको पहली बार देखते हैं या मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और खास करके लुक वाइज पर्सनालिटी वाइज वो बहुत ज्यादा आपको एडमायर करने वाले हैं एक चीज मुझे ऐसा लगता है काफी ज्यादा मेहनती भी आपके पार्टनर मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है लाइफ में मतलब इतना हार्ड वर्क करते हैं कि काफी ज्यादा उनको ना जैसे प्रमोशन उनका होना या अच्छी पोजीशन पे होना या फिर ज़्यादा ग्रोथ होना करियर में वो भी कम एज में तो ऐसी चीज़ें उनके साथ हो सकती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग है और अपने काम से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस निकालने की कोशिश करते हैं कि वो जिस भी चीज़ को करें वो इतनी अच्छी से करें कि उसका रिजल्ट उनको बहुत अच्छे से मिले यू नो कई लोग होते हैं सिर्फ मन बलाने के लिए टाइम पास के लिए काम कर लेते हैं या भी ठीक है पैसा ही तो कमाना है ज्यादा सोचते नहीं है लेकिन ही इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट अबाउट हिज वर्क ऑल्सो कि जो भी काम करना है वो बहुत अच्छे से करना है और उसमें भी वो अपनी जी जान लगा देते हैं अब यहां पर जो कार्ड्स है उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर है ना वो हो सकता है उन्होंने एमबीए वगैरह करा हो कॉमर्स में हो तो आईटी मैनेजमेंट में हो सकते हैं मैनेजर हो सकते हैं और अच्छी प्रोफाइल होगी उनकी वर्क प्रोफाइल इंजीनियरिंग भी हो सकती है कि उन्होंने कर रखी हो टीचिंग लाइन में भी हो सकते हैं यहां पर मुझे कुछ के लिए ऐसा लगता है ये मेरी इंट्यूशन है टीचिंग लाइन की कि हो सकता है वो टीचिंग लाइन में भी हो मोस्ट प्रोबेबली और ऐसे तो काफी सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन लेट्स नॉट गेट डीप एंड टू इट यहां पे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल के नेचर की कि वो किस तरह के नेचर वाइज होंगे तो मुझे ऐसा देखो जैसे मैंने बोला है वो सोले से ज्यादा पसंद होंगे इंट्रोवर्ड ज्यादा होंगे तो वो अपनी फीलिंग्स को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे अगर आप चाहते हो कि वो रोमांस या फिर काफी ज्यादा अपने जो लव साइड है उसको शो करे तो आपको उनको पहले बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा भरोसा दिखाना पड़ेगा तो वो कुछ टाइम बाद ही वो आपसे खुल पाएंगे और आपको अपनी फीलिंग्स बता पाएंगे या फिर शो कर पाएंगे उनके मन में जो भी चलता होगा अदरवाइज वो उस तरह के इंसान नहीं है कि वो एकदम से किसी के साथ ओपन अप हो जाए या फिर उनको अपने मन की बातें बताने लग जाए वो काफी ज्यादा सोच समझ के कि किसी के साथ बिहेव करते हैं कि किसी को बुरा ना लगे किसी को कोई बात चुभ ना जाए और वो इसी तरीके से उनको भी चीजें बुरी लगती हैं तो इसलिए वो हर कोई चीज है ना सबके सामने नहीं कह पाते तो रोमांस के मामले में ऐसा नहीं है कि वो रोमांटिक नहीं है अंदर से लेकिन हाँ अगर वो आपके ऊपर भरोसा करने लगेंगे और ये समझ जाएंगे कि आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो ही वो ओनली रोमांस आपके साथ शो करेंगे अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे सो यू हैव टू सपोर्ट हिम और हर देयर बिकॉज वो ज्यादा शाय टाइप है वो अपनी मन की बातें अपने मन में रखने वाले जैसे इंसानों में से है पर अगर आप उनको बोलेंगे ना आपको रोमांस करना अच्छा लगता है या फिर आपको ऐसे रोमांस शो करना बहुत पसंद है तो वो जरूर कोशिश करेंगे आपके लिए कि वो इस तरह की चीजें करें इफ यू लाइक समथिंग तो वो जरूर आपके लिए चेंज होने की कोशिश करेंगे बल्कि मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही रिलेशनशिप में ना एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा चेंजेस लाने की कोशिश करोगे अपने अंदर होता है ना जैसे कुछ लोग साथ में ग्रो करने की कोशिश करते हैं कि आप एक दूसरे के लिए मोल्ड हो जाए एक दूसरे के लिए प्रोग्रेस लाएं अपनी अपनी लाइफ में तो उस तरह का रिलेशनशिप आप लोगों के लिए होने वाला है एक चीज मैं बोलूंगी डेस्ट स्टैंड रिलेशनशिप है अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो वो आपको डिच कर देगा धोखा दे देगा या दे दे छोड़ देगा किसी भी वजह से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला वो आपके साथ डेस्टैंड है और वो हमेशा आप ही के साथ रहेंगे और आपका साथ निभाएंगे आपके फ्यूचर पाउस होने की ये तो चीज मेन कंडीशन है कि जो आपके पार्टनर है ना वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और जेनअन होंगे और वो अगर एक बार आपसे कमिटमेंट कर देंगे ना तो वो जिंदगी भर आपका साथ निभाएंगे अगर कोई इस तरह का इंसान आपको मिलता है जब से झूठ बोल रहा है आपको धोखा दे रहा है या फिर आपको छोड़ के चाह रहा है तो वो आपका सोलमेट या फ्यूचर स्पाउस कभी भी नहीं हो सकता बिकॉज आप जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं वो इंसान और कुछ हो या ना हो पर एक ऑनेस्ट इंसान बहुत जरूर है और वो कुछ भी काम करते हैं एनी चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो वो अपनी ऑनेस्टी उसमें जरूर दिखाते हैं वो कभी भी झूठ का सहारा या शॉर्टकट्स का सहारा कभी भी नहीं लेंगे और आज के टाइम पे इस तरह का इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल होता है बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी है और वो आपके प्यार के लिए बहुत सारे बदलाव आप उनमें महसूस करोगे कि जैसे सोलिसी में मैंने बोला ना है और लिमिटेड लोगों से ही बात करते हैं पसंद नहीं करते इतना ज्यादा घुलना मिलना या पार्टी एनिमल नहीं है इवन पार्टी करना भी ज्यादा पसंद नहीं है घूमना फिरना भी ना यू नो अकेले या सोलो ट्रिप्स काइंड ऑफ उस तरह से शांत जगहों पर कि नेचर के ज्यादा करीब हो इस तरह से पार्टी या क्लबिंग करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा या भीड़ भाड़ मार्केट वगैरह में जाना उनको ऐसे अच्छा नहीं लगता होगा तो बहुत ही ऐसे तरह के इंसान है लेकिन इफ इन केस यू लाइक अदर थिंग्स या इफ यू आर अपोजिट टू देम तो वो आपके लिए बदलने की जरूर कोशिश करेंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा खुशी मिले तो उस तरह का नेचर है उनका अगर मैं लुक्स की बात करूं तो मुझे काफी ज्यादा हद तक ये लगता है कि काफी हैंडसम होंगे एक अच्छी उनकी हाइट और बिल्ट होगी बिल्ट इन द सेंस मोटे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले एवरेज uh, वेट हो सकता है या फिर काफी यू नो स्लिम ट्रिम टाइप के भी हो सकते हैं और अच्छी फिजिक होगी देखने में काफी यंग लगेंगे चाहे एज में बड़े हो चाहे ना हो पर उनका फेस या फिर उनका जो लुक होगा वो हमेशा एक यंग लड़के के या लड़की के जैसा दिखेगा कैसे उनको देख कैसे लगेगा कि हाँ अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं तो उस तरह का फ्रेश फेस है उनका और उनके बाल भी काफी ज्यादा लगता है बालों को लेके बहुत ज्यादा ना वो इनसिक्योर होंगे इनसिक्योर या फिर यूँ कह सकते हैं उनको बाल बहुत ज्यादा पसंद होंगे अपने या फिर उनको आपके भी बाल बहुत अच्छे लगते होंगे तो इस तरह से बालों को लेकर बहुत ही क्रेजी हैं और उनको बहुत पसंद है बाल वगैरह ऐसी ऐसी चीजें मतलब हेयर स्टाइल हेयर कट यू नो बियर्ड लुक इस तरह की चीजें उनको हो सकता है बहुत अच्छा लगता हो ग्रूम करना अपने आप को बहुत अच्छा लगता हो तो पर्सनालिटी वाइज जैसे मैंने बोला भी है कि वो अच्छे दिखते हैं हैंडसम होंगे या ब्यूटीफुल होंगी तो जाहिर बात है इस तरह लोगों को ग्रूम करना अच्छा ही लगता है क्योंकि विदाउट ग्रूमिंग यू कांट लुक ना ब्यूटिफुल या हैंडसम ऑल डे सो ओवरऑल मैं ये बताऊंगी कि आपके जो पार्टनर हैं वो ऑनेस्टली या जैन और उसके अलावा वो हैंडसम या ब्यूटीफुल होने वाले हैं और आपका बहुत ख्याल रखने वाले हैं और हमेशा जब भी आपको कमिटमेंट देंगे तो हमेशा आपके साथ कमिटेड रहने वाले हैं सो so अगर आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है तो कमेंट सेक्शन में गॉड ब्लेस यू जरूर लिखना है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच बाय सो हेलो पायल नंबर टू जिन्होंने ग्रीन क्रिस्टल को चूज किया था ये ग्रीन एवंटरीन को सो so, यहां पर ऐसा लगता है ओके okay, जैसे आपने ग्रीन एवेंटरीन चूज भी किया है और आपको मे भी पता भी हो तो ये क्रिस्टल बहुत अच्छा होता है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए और यहाँ पे इतने सारे पेंटिकल्स और अर्थ एलिमेंट्स आ रखे हैं इवन हायर हाईअ्रिस्ट भी आया है तो ये एम्पर भी आया है तो ये बहुत ज्यादा शो कर रहा है दैट यू लव मनी यू लव लग्जरी लाइफ यू लव यू नो बहुत सारे लोगों को पसंद भी होता है आज के टाइम पे इसमें कोई ऐसी शेम वाली या तो हार्म वाली बात तो है नहीं पहली बात तो मैं बहुत पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ बट यू लाइक बींग रिच और जैसे इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं ना एक लेविश लाइफ लोग अपनी तो उस तरह की चीज आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है और बहुत ज्यादा पसंद है और यहाँ पर ये आपकी पायल नंबर टू देख के ऐसा बिल्कुल लगता है कि आपको इस तरह का पार्टनर जरूर मिलेगा जो आपको इस तरह की लाइफ दे सके या जिसके साथ आप ऐसी लाइफ जियो ठीक है यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि काफी स्टडी पर्सनालिटी होने वाली है आपके पर्सन की और काफी स्टडी ग्रोथ भी है मतलब हो सकता है कि जब वो आपसे मिले तो वो किसी पढ़ाई की तैयारी कर करे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो मेहनत कर रहे हो तो ऐसे में ना मेरे को एक चीज बोलनी है कि आप उनका साथ बहुत ज्यादा देना बिकॉज उनकी लाइफ में बहुत लिखा हुआ है कि अगर उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और अगर उनकी पॉजिटिव थिंकिंग रहती है तो लाइफ में वो आसमान छू सकते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं लाइक कंपनी में सीईओ हो सकते हैं या फिर यूपीएससी क्लियर कर ले आई बन जाए या फिर कोई ऑफिसर रैंक पे हो उसके अलावा टीचर हो सकते हैं मतलब जो भी वो अपने प्रोफेशन में होंगे ना वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होने वाले हैं मतलब ऐसे पोजीशन पे होंगे जहां पे वो बहुत पैसे कमा रहे होंगे बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे होंगे और अपनी फैमिली को भी एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकेंगे उस तरह के कि उनकी जॉब होने वाली है और मेरे को लगता है छोटी उम्र से वो काफी ज्यादा कमाना शुरू कर देंगे तो उनको ये इस चीज का एहसास होगा छोटी उम्र से कि पैसा कमाना कितना जरूरी होता है बिकॉज उन्होंने छोटी उम्र से वो देखा होगा कि पैसों में रहना या पैसे कमाने को चीजों को लेकर उस तरह की चीजें उन्होंने देखी होगी छोटी उम्र से यहां पे मुझे एक और चीज भी लगती है कि हो सकता है वो किसी बिजनेस में भी हो सकते हैं खुद का बिजनेस हो सकता है उनका और इस वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि मे बी उनका ना ट्रैवलिंग हमेशा प्लान्स ना डिले होते रहते होंगे एक चीज मैं बोल सकती हूं अगर आपके अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट देना चाहते हो ना या कुछ खुश करना चाहते हो तो वेकेशन प्लान करो उनके साथ उनको लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए सिर्फ अगर उनको नेचर से जोड़ दोगे वेकेशन से जोड़ दोगे ना मतलब उनको घूमने फिरने की वो आजादी मिल जाएगी चाहे वो आप उनके साथ जाओ डेफिनेटली इट्स नॉट लाइक कि वो अकेले या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं ही विल और शी विल डेफिनेटली वांट्स टू गो विद यू लेकिन अगर वो घूमते फिरते रहेंगे ना जैसे ये मान लो हर तीन महीने में अगर आप एक वेकेशन पे चले जाते हो ना तो बस आपकी लाइफ हॉटेड है क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना वो इस तरह के हैं कि वो अगर वेकेशन पे जाते हैं ना तो वो बिल्कुल दुनियादारी से कट ऑफ हो जाते हैं उनको कोई मतलब नहीं अब दुनिया में क्या हो रहा है और वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन टेंशन वगैरह सबको वैनिश आउट करके और फिर वापस आएंगे और फिर तीन महीने तक वो जम के काम कर सकते हैं जम के आपके साथ खुश रह सकते हैं मस्त एकदम लाइफ जी सकते हैं और फिर उसके बाद फिर उनको वाइंड आउट करने की जरूरत होगी और ये काफी सारे लोगों के साथ होता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं ना या फिर बहुत ज्यादा सोचते हैं अपने बारे में अपने लाइफ के बारे में या फिर अपने पार्टनर और फैमिली के बारे में तो कभी कभी ना बहुत ज्यादा अक्यूमलेट हो जाता है उनके दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है फ्रस्ट्रेशन हो जाती है तो वो फ्रस्ट्रेशन उनकी ना आदत नहीं है गुस्से वाले नहीं है कि गुस्सा करें और दूसरे पे निकालें या फिर अपनी अथॉरिटी का गलत फायदा उठाएं उनको ये है कि वेकेशन पे जाओ घूमो फिरो और ऐसे दुनियादारी से भूल जाओ कि कुछ भड़क चल रही है लाइफ में और उसके बाद शॉर्ट आउट सब कुछ और वापस आओ एकदम रिजुवनेट होकर एकदम न्यू एनर्जी के साथ एकदम चार्ज होकर तो उस तरह की पर्सनालिटी है बहुत अच्छी पर्सनैलिटी लगी मुझे पायल नंबर टू के लिए जिन्होंने भी ये चूज किया है डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत ही जॉली नेचर के हैं बहुत ही लविंग है इतनी अच्छी पोजीशन पे होने के बाद भी या इतनी मेहनत और इतनी स्ट्रगल देखने के बाद भी ना वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है उनको ऐसा कोई घमंड नहीं आने वाला कि लाइफ में मैं तो सक्सेस हो गया हूं या फिर मुझे तो अब ऐसे बिहेव करना है या वैसे बिहेव करना है ही इज नॉट लाइक दैट और शील नॉट लाइक दैट बहुत ही अच्छे हैं मतलब सबका सम्मान करना रिस्पेक्ट करना आपका जो उनका रिलेशनशिप होगा ना वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है एकदम पावर कपल वाली जोड़ी होती है ना वो होने वाली है आप भी अपने लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो मतलब अपने फील्ड में झंडे गाड़ने वाले हो आप भी आपकी भी अच्छी जॉब होगी अच्छी पोजीशन होगी अच्छा पैसा होगा आपके पास बैकग्राउंड भी आप लोगों का काफी सॉलिड है मतलब अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो तो ऐसे में ना काफी ज्यादा यू नो एन्जॉय करने वाले हो लाइफ में लग्जरीज तो आप लोग लेकिन साथ में एज अ कपल भी आप लोग बहुत अच्छे हो एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना खुद ही नेगेटिव सोच सोच के ना सेबुटाइज कर सकते हो चीजों को और इसी तरह की थिंकिंग आपके पार्टनर में भी है कि कई बार वो भी ओवर थिंक बहुत करते होंगे तो ये चीज आपको नहीं करनी है दोनों को मिलकर कि ओवर थिंकिंग करते रहो दोनों मिलकर तो वो चीज आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए या फिर लाइफ के लिए भी अच्छी नहीं साबित होगी अदरवाइज जो आपका रिलेशनशिप है ना वो बहुत अच्छा है आपकी लाइफ है वो बहुत अच्छी है आपकी फैमिली भी काफी ज्यादा आपको सपोर्ट ही करने वाली है और जो लक का फैक्टर है ना वो भी काफी ज्यादा आपके साथ ही है लाइक ब्लेसिंग्स ऑफ योर एंसेस्टर्स या फिर गॉड्स या एंजल्स आप जिस भी चीज में बिलीव करते हो उनकी ब्लेसिंग्स आपके अराउंड रहने वाली है और वो आपको ना कभी ऐसे हारने नहीं, नहीं देगी वो ब्लेसिंग्स ना वो हमेशा आपके साथ रहेंगी वो हमेशा आपको नई नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगी जो भी ख्वाहिश आप करना चाहते हो उनको ख्वाहिशों को पूरा करने में हेल्प करेगी मैं आपको एक चीज बोलती हूँ अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो ना और उसके बाद हार्ड वर्क और हार्ड वर्क के साथ मैनिफेस्टेशन तो लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप पा सको या फिर आपके पार्टनर पा नहीं सकते हो आप उनके नाम के लिए नाम से भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर वो बिलीव ना करते हो वैसे मुझे लगता है स्पिरिचुअल पर्सन होंगे पूजा पाठ करते होंगे लेकिन हो सकता है चलो मैनिफेस्टेशन में मे भी वो ना हो लेकिन अगर आप करते हो ना तो आप लोगों की लाइक और ही चांदी चांदी हो जाएगी बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा है कि आप काम और कूल cool डाउन रहने के लिए मेडिटेशन या फिर मैनिफेस्टेशन को कर सकते हो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और एक चीज मैं बोलूंगी यहाँ पे जब मून की जैसे एनर्जी मुझे दिख रही है तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको मून में ना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए अगर आप मून की एनर्जी में वक्त नहीं बिताते हो या मून की रोशनी में वक्त नहीं बिताते हो तो आपकी ऊर्जा कही ना कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाती है आपकी जो पॉजिटिव जो वाइब्स होती है ना जो आपकी एनर्जीज होती है सराउंडिंग होती है वो काफी ज्यादा ना डल और लथार्जिक हो जाती है तो आपको जब भी लगे ना टाइम आप चाहे पूरे मतलब रोज ही रोज दस मिनट पंद्रह मिनट वॉक कर लो खाना खाने के बाद मून में मून की रोशनी में ऑब्वियसली मून पर तो नहीं जाओगे बट ये आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और ये अगर आपने पार्टनर के साथ एक रूटीन बना लोगे ना घूमने फिरने का इस तरीके का तो आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत ज्यादा सुधर जाएगी बहुत ही ज्यादा मतलब उसमें चार चांद लग जाएंगे आप इसको एक रूटीन बना सकते हो कि जब भी खाना खाओ या फिर ऐसे शाम के टाइम पे ना मून निकला हुआ है और आप लोग छत पे चले जाओ या गली में चले जाओ और एक दूसरे का हाथ पकड़ के नो घूमो फिरो बातें बातें करो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए इवन आपका रिलेशनशिप है भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत आपकी जो पार्टनर है अगर मैं वाइज बात करूं तो इस रिलेशनशिप में ना जो लड़कियां हैं वो ज्यादा खूबसूरत है बहुत ज्यादा खूबसूरत है कंपेयर uh, करें लड़कों से लेकिन लड़के भी कम नहीं है वो भी बहुत सुंदर है तो देखने में तो जोड़ी आप दोनों की बहुत ही कमाल लगने वाली है लेकिन लड़कियां ज्यादा ब्यूटीफुल हैं लड़के भी काफी ब्यूटीफुल हैं मुझे लगता है कि काफी अच्छी हाइट होने वाली है हैंडसम होने वाले हैं लंबे होने वाले हो सकता है बियर्ड रखते हो और बाल भी बहुत लंबे हो या फिर बहुत घने हो करली हेयर्स हो सकते हैं और मुझे काफी लोगों के लिए लग रहा है कि या तो कॉम्प्लेक्शन एकदम डस्की होने वाला है या फिर बहुत ही फेयर तो मतलब जो उनका रंग है ना वो बहुत प्रोमिनेंट फीचर होने वाला है और उनके कर्ली हेयर्स और इस तरह की लंबी हाइट एक पर्सनालिटी उनकी बहुत सॉलिड होने वाली है ऐसे दूर से दिखते हैं ना कई लोग के हाँ भाई कोई चल के आ रहा है बैठे भी दिख जाएंगे इतनी मतलब चमक है इनके चेहरे पे और या फिर इनके बालों में मतलब ऑब्वियसली सो बहुत ही सही है और ओवरऑल मैं तो बहुत अच्छी एनर्जी है बहुत ही अच्छी लाइफ है आपकी उनके साथ एंड आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए ना कमेंट सेक्शन में गॉड ब्लेस यू जरूर लिखना और आज की जो पॉजिटिव एफॉर्मेशन है वो है आई एम लक्की सो पांच बार आके बनकर के आई एम लक्की आई एम लक आई एम ब्लेस्ड आई एम लक्की थैंक यू यूनिवर्स ये जरूर बोलना और कमेंट सेक्शन में भी लिखना है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय सो हेलो पा नंबर थ्री जिन्होंने टाइगर आई चूज किया है चलिए बात करते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा होने वाला है और किस तरह का होने वाला है आपके पार्टनर के साथ और किस तरह के हो आपके फ्यूचर स्पाउस तो एक चीज तो है आपके जो कार्ड्स आए ना वो अपर लेन में और जो नीचे वाली लाइन है मतलब जो कार्ड्स है ना बिल्कुल ही कम्पलीटली अपोजिट टू इच अदर है मतलब लाइफ की स्टोरी ना वो कहते हैं ना कहानी पलट गई एकदम से क्या हुआ है कहानी पलट गई तो उस के कार्ड आए हैं आपके पर चलिए बात करते हैं हम स्टार्टिंग विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स तो फोर ऑफ पेंटिकल्स जैसे कहता है कि जो आपके पार्टनर है ना काफी ज्यादा अच्छी लाइफ तो जीने वाले हैं लेकिन वो जहां पर भी जो उनकी नेटिव प्लेस है ना उससे दूर जाके जियेंगे वो लाइफ हो सकता है कि वो अब्रॉड चले जाए हो सकता है स्टेट चेंज हो जाए सिटी चेंज हो जाए तो काफी ज्यादा चेंज ऑफ लोकेशन की जो गुंजाइश है ना वो हंड्रेड परसेंट ही है क्योंकि कमाई धमाई जो भी होगी ना उनकी वो दूर जाके होगी वो वहीं की वहीं नहीं होने वाली उनको चाहे उनका कुछ भी हो चाहे उनको बिजनेस करना हो जॉब करना वैसे तो वो जॉब ही करेंगे लेकिन उनको वो दूसरी जगह जाके करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा चांसेस है कि अब्रॉड भी जा सकते हो इफ यू लव टू गो टू अब्रॉड या फिर यू वांट टू सेटल यू नो अब्रॉड तो ये भी चांसेस हैं बाकी ट्रैवलिंग के लिए भी आप लोग अब्रॉड जा सकते हो एक और चीज मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर की किस्मत है ना काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है तो जब आप दोनों की शादी होगी ना तो वो दोनों वो चीज आप दोनों के लिए बहुत बहुत अच्छी होने वाली है आप दोनों ना काफी ज्यादा ग्रो करोगे करियर वाइज शादी के बाद मतलब पैसा वैसा काफी बढ़ जाएगा शादी के बाद एक चीज मैं बोलूंगी आप में और आपके पार्टनर में दोनों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और बहुत ज्यादा लड़ाई करने की टेंडेंसी है मतलब आप लोग ना जिद्दी बहुत ज्यादा हो किसी भी चीज को सुनने समझने के लिए ना आप लोग इतना ज्यादा यू नो आपको ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो और आपके पार्टनर भी बिल्कुल वैसे ही है उनको भी लगता है जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है आपका ना बिल्कुल हवा और फायर वाला रिश्ता है तो जैसे जब चिंगारी लगती है ना और हवा तेज चले तो वो उसको और भड़का देती है ना अब वैसी वाली हवा और चिंगारी वाला रिश्ता है कि पूरी आग इतनी भड़क जाती है तो वो चीज अच्छी नहीं है यहाँ पे देखो डेविल का कार्ड भी है और ये शो कर रहा है एक्चुअली आपकी ना पता है ऐसा लगता है कार्ड्स को देखकर किस इट्स इन योर हैंड आप दोनों के अगर आप दोनों चाहते हैं तो अपने रिलेशनशिप को इतना खूबसूरत बना सकते हैं कि उसमें कुछ कमी होगी ही नहीं आप लोगों के पास सब कुछ होगा सब कुछ यू नेम इट यू हैव इट लेकिन अगर आप लोग चाहो ना तो उस रिलेशनशिप को बहुत बिगाड़ भी सकते हो इतना बिगाड़ सकते हो कि सेपरेट होकर रहने लग जाओ यानी कि एक दूसरे की शक्ल ना देखो ऐसा तो नहीं कहूंगी कि मैं डिवोर्स ही ले लोगे पर सेपरेट हो सकते हो उतने भी चांसेस हैं बिकॉज ईगो बहुत ज्यादा है जिद बहुत ज्यादा है गुस्सा बहुत ज्यादा है आप दोनों में को डिपेंडेंसी फैक्टर नहीं आना चाहिए आप दोनों के बीच में कि लाइक एक दूसरे को लेकर तो इतने डिपेंडेंट हो जाओ कि एक दूसरे के बिना आपको कुछ अच्छा ही ना लगे और इस वजह से एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाओ तो वो चीज भी आपको डील आउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस रिलेशनशिप में ऐसा यहां पे मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं है बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन इसको अच्छे बनाए रखने की जिम्मेदारी आप दोनों की है और उसको करने के लिए आप दोनों को अपनी जिद और गुस्से को ईगो को कम करना पड़ेगा ठीक है अपनी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए पहली बात मैं बोल दूँ, इस रिलेशनशिप में जो लड़कियां लड़कियां हैं उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि दूसरा ज्यादा कमा रहा है या फिर मेरे तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है फैमिली के पास बहुत पैसा है तो मैं कुछ ना करूं मत करना ऐसा क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो इतने ज्यादा नाक वाले है ना ऊंची नाक वाले की वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो आपको इंसल्ट कर देंगे कभी ना कभी अगर आप जॉबलेस होंगे या फिर अगर आप काम नहीं कर रहे होंगे कुछ भी तो यू हैव टू यू नो मेंटेन योर दैट स्टेटस एक चीज और कहूंगी सुंदर भी आप दोनों काफी ज्यादा दिखते हो तो यू हैव टू मेंटेन योर फिजिकल अपीरेंस ऑल्सो कि जिम विम करो अपना सुंदर दिखो स्टाइल वगैरह में रहो क्योंकि आपके पार्टनर भी इस चीज में काफी ज्यादा और वो आप भी बहुत ज्यादा हो तो अगर आप दोनों ही कहीं पे भी, भी कम पड़ते हो ना तो आप लोगों की ईगो या फिर आपके टोंटिंग है ना वो नेचर बाहर आ जाता है और एक दूसरे को सुना देते हो जो कि चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं लड़ाई का एक कारण बन सकती है चीजों को लेकर बिकॉज एक ना मेरे को ना उस तरीके की एनर्जी दिखती है कि आप लोग ना चीजों को सॉर्ट आउट करने की वजह ना जिद पकड़ लेते हो और फिर वो एक बड़ा मसला बन जाता है जबकि वो इतना होता नहीं है हालांकि आपकी छोटी छोटी बातों तो पे लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप दोनों एक दूसरे को चीट कर सकते हो या कोई भी ऐसा कुछ ऑप्शन है धोखा देने का नो वेज ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन हाँ ईगो की लड़ाई आप दोनों की जरूर जरूर हो सकती है सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट इवन विद योर पार्टनर कि आप दोनों इस तरह से गुस्से में एक दूसरे को कुछ ना बोलो जिससे आप दोनों का रिलेशनशिप सफर करें सबसे पहले तो आपको इस डेवल की एनर्जी से निकलना चाहिए आप दोनों को ही इफ इन केस मुझे ऐसे काफी लोगों के लिए लग रहा है हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी और, और शादी वादी करना चाहते हो तो मैं मैं यही बोलूंगी आपके झगड़े का जो सोल्यूशन है वो यही है कि आपको जिद करनी नहीं है ईगो नहीं करनी है और ये चीज दोनों तरफ से होगी लेकिन कोई भी इसमें शुरुआत करेगा तो ये एक रिलेशनशिप की जीत ही है मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है कि एक जने को शुरुआत तो आप सोचो कि वो शुरुआत करे आप और वो सोचे कि आप करो ये तो इससे कोई फायदा नहीं है जिसको लगता है या जो ये रीडिंग दिख रहा है वो शुरुआत कर ले या फिर दूसरे को ये रीडिंग दिखा दे कि देखो भाई ऐसा है रिश्ता चलाना है तो इस तरह से मान लो बात क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है एक दूसरे के लिए लव बहुत ज्यादा है ना बहुत ज्यादा है बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपकी ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हो लेकिन उतना ही ईगो और जिद भी है आप दोनों के अंदर तो मैं आपको वही सलाह दूंगी कि वो चीज आपको नहीं करनी है लाइफ में ऐसी बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास होगी आप दोनों की मेहनत से और मेरे को एक चीज ये भी लगती है हो सकता है आप लोग ना न्यूक्लियर फैमिली में ही रहो के मतलब आप दोनों अकेले ही रहते हो पेरेंट्स वगैरह या इन लॉज वगैरह आपके साथ ना नहा रहे तो इसमें भी ना यही प्रॉब्लम आती है फिर कि अगर दो ही जने साथ में रह रहे हैं तो उन दोनों को आपस में बॉन्डिंग बना के रखनी है तो ऐसे में ना कई बार होता है ना कि जब लड़ाई या झगड़ा या किसी चीज छोटी मोटी बात पे ना प्रॉब्लम्स हो जाती है ना तो वहां सुलझाने के लिए इंस्टेंट कोई भी नहीं होता और ना ही रोकने वाला कोई होता कई बार होता है ना जो फैमिली होती है तो हम लोग खुद ही सोचते हैं कि यार क्यों तो एक दूसरे को कुछ बोलना खाम खा तीसरा इंसान सुनेगा तो अच्छा नहीं लगता लेकिन जब आप लोग अकेले होते हैं ना तो क्या होता है रोकने वाला कोई नहीं होता तो लड़ाई किसी भी हद तक चली जाती है तो आपको ना वो चीज बहुत ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग साथ में जैसे रह रहे हो तो एक जिम्मेदारी के साथ रहो ऐसा नहीं है कि अकेले रह रहे हो तो जो मन में आए वो कर रहे हो एक दूसरे की रिस्पेक्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिस आउट दिखती है फ्यूचर में या फिर प्रॉब्लम्स की वजह से तो वो आपको लैक नहीं करनी है अपने रिलेशनशिप में आपको ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी रहे ईगो के चक्कर में आप अपने रिलेशनशिप को ना खराब करो ठीक है उसके अलावा मैं बाकी आप पॉइंट्स आपको बोल ही चुकी हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है यहाँ पर आपका गुस्सा और आपका ईगो और ये दोनों तरफ से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हो दोनों जने कर रहे हो उसके अलावा आप दोनों ही दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हो दोनों ही एक दूसरे का साथ हमेशा निभाने वाले हो काफी ज्यादा स्ट्रांग रिलेशनशिप है काफी ज्यादा कमिटमेंट है काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है और उसके अलावा सब कुछ ही बहुत खूबसूरत है मैं आपको एक बात बताती हूँ जब मैं छोटी थी ना मतलब बहुत ज्यादा छोटी नहीं थी कॉलेज में थी तो मैंने भी एक बार किसी से पूछा था दैट वॉज नॉट टेरर रीडिंग दैट दैटन वॉज रीडिंग और आई डोंट हैव एनी यू नो बिलीव ऑन दैट पर्सन बिकॉज मैं उसको जानती भी नहीं थी लेकिन उन्होंने मुझे जिस तरह से बताया ना उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज बोली थी बेटा तुम्हें गुस्सा नहीं करना और मैंने उन्हें पलट के यही बोला कि अच्छा कोई मुझे कुछ भी बोलता रहेगा तो मैं क्या सुनती रहूंगी लेकिन उन्होंने बोला बस हाँ यही बेटा यही जो चीज़ है ना उसको ही छोड़ दो लाइक ठीक है ओके यार देख लेंगे लेकिन उसके बाद ना हालांकि मैं पहले भी गुस्सा काफी हद तक अपने को कंट्रोल कर चुकी थी लेकिन रिलेशनशिप में गुस्सा कंट्रोल करना एक यू you नो know, एक पूरा प्रोसेस होता है तो मैं ना काफी ज्यादा मैंने नोटिस किया मेरी लाइफ में कि चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो कुछ भी हो लेकिन अगर मैं गुस्से से उसको हैंडल करती हूँ सब कुछ मैसफ हो जाता है और वहीं अगर मैं चुपचाप रहती हूँ ना या फिर उसको सोच समझ के हैंडल करती हूँ कई बार मैं हैंडल भी नहीं करती बस मैं इग्नोर मारती हूँ कि भाड़ में जाओ आई एम नॉट टॉकिंगउट आर माई रिलेशनशिप आई एम टॉकिंगउट द सिचुएशन की कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना जिसमें मुझे बेहद गुजरा सो so, यहाँ पर ये क्लियरली दिखता है कि जैसे आपके पार्टनर है और आपका जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी ego की आपकी ईगो की क्लैशेज ना हो आपस में क्योंकि बाकी सब कुछ आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत होने वाला है आई एम मस्ट से दैट ऑलमोस्ट परफेक्ट होने वाला है पर अगर आप अपनी ईगो के चलते उसे खराब करना चाहो तो उसे आप कितना भी ज्यादा खराब कर सकते हो अदरवाइज लोग आपके जो रिलेशनशिप होगा ना उसे जेलेस फील करेंगे आप दोनों का रिलेशनशिप इतना सुंदर होने वाला है बट उसको संभाल के रखना आपकी खुद की यू you नो know? रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो दिस इज द रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लेम जरूर करना गॉड ब्लेस यू जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में और आज की जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है आई एम लकी, उसको जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में और आंखें बंद करके पांच बार भी जरूर बोलना उसको एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना